हजरत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्ला अली ट्रस्ट के चेयरमैन एवं मुस्लिम समाज के वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता प्यारे खान ने मंगलवार को मोमिनपुरा के अंसारी नगर परिसर में स्थानीय मुस्लिम समाज बंधुओं से मिलकर उनकी समस्याएं जानी। इस समय उनके साथ विशेष रूप से समाज के कई लोग मौजूद थे। इस बैठक के दौरान प्यारे खान समेत स्थानीय मुस्लिम बांधव मौजूद थे, जहाँ मौजूद लोगों ने मंच के समक्ष अपनी समस्याएं बताई, जहाँ बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। गौरतलब है कि रमजान का पाक महीना चल रहा है, जिसके चलते सभी मुस्लिम भाई दिन भर अपना फर्ज अदा करते हुए रात के समय समाज के उत्थान एवं प्रगति के विषय में चर्चाओं में सहभाग लेते हैं। इसी संकल्पना के तहत हजरत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्ला अली ट्रस्ट के चेयरमैन एवं मुस्लिम समाज के वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता प्यारे खान ने मंगलवार को अंसारी नगर परिसर में स्थानीय मुस्लिम समाज बंधुओं से मिलकर उनकी समस्याएं जानी। इस वक्त प्यारे खान ने समाज के उत्थान एवं प्रगति के विषय में समाज से अपनी प्रतिक्रियाएं साझा की। देखिए, अंसारी समाज के बहुत जिम्मेदार लोग थे और बहुत सुलझे हुए लोग थे और समाज के बड़े लोग थे, तो इनसे मेरा मीटिंग हुआ। हमने वही जो हमारी जो चर्चा चल रही है कि इस बार हमको हम बेवकूफ नहीं बनने वाले, और हमारे समाज के बाकी लोगों से भी ये समाज पूछने वाला है कि भाई तुम समाज की गारंटी लेगा कौन। अब सारे मुस्लिमों में एक ही चीज़ आ गई है, वो हमको हिंदू मुसलमान से और फतवे से और शरियाई से बहुत दूर होना है। एक मौलाना साहब ने भी बहुत अच्छा आपने देखे होंगे बोले है, अब हमको सिर्फ और सिर्फ हमारा विकास चाहिए। व्यक्ति कैसा है उसको देखना है और हमारा विकास कौन कर सकता है हमको उसके पीछे रहना, क्या हमने क्या जिंदगी भर के ठेका लेके रखे कि निचले स्तर पर रहने का, झुग्गी झोपड़ियों में रहने का? हमको अच्छी जिंदगी गुजारने का अब हक नहीं है क्या? हमारे बच्चों ने अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ना चाहिए? हमारे बच्चों ने अच्छी नौकरी नहीं करना चाहिए? हमारे बच्चों ने अच्छे बिजनेस नहीं करना चाहिए? हमारे बच्चों ने फॉरेन नहीं जाना चाहिए? तो ये एक पार्टी की निचले स्तर की पॉलिसी ने हमको यहाँ लाके ढकेल दिया। आज आज़ादी के पहले देखो, आज़ादी के पहले मुसलमानों के क्या ठाट बांटते, आज करते 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 ऐसा निचले स्तर पे लेके आ गए कि हम मैं बता नहीं सकता आपको। तो आज समाज जाग गया है और ये सारे लोगों का समर्थन गडकरी साहब के तरफ है, इन्होंने बोल दिया है, और उनके लिए क्या मांगना वो मेरा काम है। या उनसे ज्यादा अगर कोई देता है, गडकरी साहब से ज्यादा अगर कोई दूसरी पार्टी का व्यक्ति देता है, तो मैं इनके साथ खड़ा हूँ। मेरा सिर्फ मुद्दा है कि मेरे समाज को क्या मिलेगा, वो है। हमारे समाज को कौन ज़्यादा देगा और कौन गारंटी देगा, बस वही है। बाकी मेरा चुनाव लड़ना मेरा मकसद नहीं है। मेरे समाज में एक से एक लीडर है, हम उन्हीं को आगे बढ़ाएंगे और उनके सदारत में हम लोग आगे बढ़ेंगे। लेकिन इस बार क्या है, हम समाज के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर मांगेंगे। मेरा नाम हाजी मोहम्मद सलीम। आज हमारा जो समाज है आज बढ़ के आगे आया है, और ये खास बदौरे हमारे प्यारे खान साहब, इनके तरफ से हमारे गडकरी साहब को बहुत बड़ा इसका बेनिफिट है, और इंशाल्लाह आगे भी बहुत बड़ा बेनिफिट रहेगा। और वक्त जैसे हालात बदलते जा रहे हैं, वैसे ही लोगों की सोच भी बदल रही है, और जैसा आज हमारे मुसलमानों को जो कहा जा रहा है कि भाई तुमको आगे आना है, और उसी तरीके से हम अब धीरे धीरे आगे आ रहे हैं, और पार्टी से हमको एकदम 101% उम्मीद है इस बार, और गडकरी साहब से भी हमारे को बहुत उम्मीद है कि हमारे समाज के लिए बहुत काम करेंगे और हमारे समाज को बहुत आगे लेके जाएंगे इंशाल्लाह। मेरा नाम निज़ामुद्दीन अंसारी, महाराष्ट्र पावरलूम बुनकर एक्शन कमेटी का अध्यक्ष हूँ, और मुमिन बुनकर बाजार कमेटी सेंट्रल हॉस्पिटल का मेम्बर हूँ। हमने प्यारे साहब भाई के सामने अपनी समाज की कुछ समस्या रख दी थी कि बुनकरों का मसला, गारमेंट वालों का मसला, साड़ी वालों का मसला, कूलर वालों का मसला। आपको जानकारी होना चाहिए कि अंसारी समाज 1 लाख से ज़ायद वोट है, और ये समाज लोगों को रोज़गार देता है, लेकिन सरकारी मामलात में हमको बहुत दिक्कतें आती थी। हमारे नेता नितिन जी गडकरी साहब ने हमारे समाज के लिए भी बहुत काम किया है, चाहे एक्साइज ड्यूटी का मसला हो, पावरलूम बुनकरों को बिजली बिल की माफ़ी का मसला हो। पावरलूम बुनकरों की तहरीक का हमारा निज़ामुद्दीन अंसारी गडकरी साहब ने अनेक आंदोलन यहाँ किए, और आज वो नेता हमारा चुनाव लड़ रहा है। तो हमने ये समझा कि हमारी जो समस्याएँ जो है
और समाज को, नागपुर नगरी को उद्योग नगरी भी बनाना है, नागपुर नगरी को उद्योग नगरी बनाना है, रोजगार देने वाली नगरी बनाना है, तो हमारी समस्या को प्यारे भाई खान साहब जो है, जो हमारे लिए बहुत कुछ करने का वादा किया है, उन पर अपना विश्वास जताते हुए जनाब नितिन गडकरी साहब के नेतृत्व में हम इंशाल्लाह अपने समाज की समस्या का समाधान कराने का विश्वास दिलाते हैं। और हम अपने समाज की तरफ से भी विश्वास दिला रहे गडकरी साहब को कि आपके साथ कांधे से कांधा मिला के खड़ा है और इंशाल्लाह आपके लिए तन मन धन से आपको जिताने के लिए, अपनी हिस्सेदारी बताने के लिए हम अपना काम करेंगे। आपका निजामुद्दीन अंसारी, शुक्रिया। इस दौरान स्थानीय परिसर में मौजूद लोगों ने भी अपनी प्रतिक्रिया साझा की है। कैमरा पर्सन अजित कुंवर के साथ प्रकाश शुंकलवार की रिपोर्ट।